की पहली बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इस आयोजन के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए और भारत की एक शक्ति का दुनिया को परिचय कराने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है, बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में भारत में बायो इकोनॉमी का, रिसर्च और इनोवेशन का जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, उसमें बायरेक का अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं आप सभी को बायरेक के 10 वर्ष की इस सफल यात्रा के लिए, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। यहां जो एग्जीबिशन लगी है उसमें भारत के युवा टैलेंट, भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स, इनका सामर्थ्य और बायोटेक सेक्टर के लिए भविष्य का रोडमैप बहुत बखूबी सुंदरतापूर्वक वहां प्रस्तुत किया गया है। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है, तब बायोटेक सेक्टर देश के विकास को नई गति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जीबिशन में शोकेस किए गए बायोटेक स्टार्टअप्स और बायोटेक इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स नए भारत की एस्पिरेशंस के साथ चल रहे हैं। आज यहां जो थोड़ी देर पहले जो ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें हमारे 750 बायोटेक प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। ये भारत की बायो इकोनॉमी के सामर्थ्य और उसके विस्तार को भी और उसकी विविधता को दिखाता है। साथियों, इस हॉल में बायोटेक सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर सेक्टर मौजूद है। हमारे साथ बड़ी संख्या में ऑनलाइन भी बायोटेक प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। बायोटेक सेक्टर के सामने अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने वाले हैं। बीते दशकों में हमने दुनिया में अपने डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रेपुटेशन को बढ़ते हुए देखा है। दुनिया में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल और इनोवेशन को लेकर ट्रस्ट का जो माहौल है वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। यही ट्रस्ट, यही रेपुटेशन
इस दशक में भारत के बायोटेक सेक्टर, भारत के बायो प्रोफेशनल के लिए होते हुए हम सब देख रहे हैं। ये मेरा आप पर विश्वास है, भारत के बायोटेक सेक्टर पर विश्वास है। ये विश्वास क्यों है, इसकी वजह पर भी मैं विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है तो उसके अनेक कारणों में, पांच बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। और पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। ये पांचों फैक्टर्स मिलकर भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथियों, बीते 8 साल में सरकार ने देश की इस ताकत को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। हमने होलिस्टिक और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर बल दिया है। जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, तो ये भारत के अलग अलग सेक्टर्स पर भी लागू होता है। एक समय था जब देश में ये सोच हावी हो गई थी कि कुछ ही सेक्टर्स को मजबूत किया जाता था, बाकी को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमने इस सोच को बदल दिया है, इस अप्रोच को बदल दिया है। आज के नए भारत में हर सेक्टर में उसके विकास से ही देश के विकास को गति मिलेगी। इसलिए हर सेक्टर का साथ, हर सेक्टर का विकास, ये आज देश की जरूरत है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।